सभी किसान भाइयों और सभी को ये जानकारी उपलब्ध कराना चाहूँगा कि मोरिंगा मोरिंगा जो है उसको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में उसको जाना जाता है। जैसे सहजन कहते हैं, सरगवा कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक यह एक बहुत ही औषधि गुण वाला पौधा है जो है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और ये इसकी फल पत्ती फूल सभी का उपयोग जो है किया जाता है। आजकल तो इसके जो है पाउडर बना के सरगवा के जो है सजन मोरिंगा के जो है पाउडर का भी हम जो है उपयोग करते हैं। अगर उसको किया जाए तो काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे फूल की बात करते हैं, फूल को जो है फूल में बहुत सारे न्यूट्रिएटिव पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। जैसे उसमें जो है पोटेशियम पाया जाता है, फोलिक एसिड पाई जाती है जो है, और जिंक है, मैग्नीज है, और फास्फोरस है, आयरन है, तो इस तरह विटामिन B1 है, B6 है जो है, तो इस तरह के इतने तत्व पाए जाते हैं जिसका हम अगर फूल का हम डेली सेवन के रूप में अपने डेली साग सब्जी के रूप में साग भाजी के रूप में हम अगर उसका उपयोग करते हैं, भोजन में उसका समावेश करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और साथ साथ ये हृदय रोग के संबंधित अगर किसी को हृदय रोग की समस्या का है तो इसका फूल अगर वो डेली यूज करता है तो उस समस्या से भी समाधान पा सकता है। साथ ही जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम को, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको भी मजबूत करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ त्वचा का भी, ये जो है त्वचा में भी अगर किसी तरह की बीमारी आती है तो उसमें भी जो है यह बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा पार्ट आता है इसका फल, फली का उपयोग भी हम अपने हमेशा जो है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होता है, इसका जब सीजन आता है तो उस पीरियड में हमको फली हर किसान अपने घर के पास लगा सकता है, छोटी एरिया में होता है। इसकी फली का उपयोग अगर हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, इसकी फली छोटी जब एकदम कोमल होती है तब से लेके और ये जो है जब तक इसमें जो है रेशे न बन जाए तब तक भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें भोजन में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी सब्जी हम अगर बनाते हैं तो उसके अंदर दो टुकड़े डंडी का डाल सकते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। साथ साथ जो है इसका हम सूप बना सकते हैं, सूप बना के इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका भी हम पाउडर बना के जो है दैनिक क्रिया में, जैसे हम दैनिक उपयोग में, जैसे हम सुबह ब्रश किए तो एक चम्मच अगर पाउडर है तो उसका उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो पोषण तत्व हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है सरगवा का पत्ती का भी पाउडर जो है, आजकल तो आयुर्वेद में इसके महत्व को के बारे में बताया जाता है, तो पत्ती का भी इसका पाउडर बना के हम डेली एक चम्मच मॉर्निंग में जैसे ब्रश हमने किया तो उसका उपयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम की भी मात्रा बहुत पाई जाती है। तो इस तरह एक औषधि गुण कह लीजिए और इसको न्यूट्रिएटिव से पोषण से भरा हुआ एक फल होता है जिसको हम सब्जी के अंदर जो है इसको समावेश किया गया है, इसका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को जो है सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं।